एक्साइटेड हैं जिस तरीके की बस बनी हुई है और जिस तरीके से मीडिया को और सब दोस्तों को पसंद आ रही है, तो बहुत खुशी है कि इतने टाइम से जब बॉलीवुड की फिल्मों में थोड़ा सी मायूसी छाई हुई है, उसमें ये फिल्में लोग पूरी पूरी मास इंटरटेनमेंट की तरह लोगों को पसंद आ रही है। दवा की फिल्म भी काफ़ी अच्छी है, वो भी एक अच्छी साइन है, बहुत एक्साइटेड है। सिर्फ लोगों का सिर्फ ये होगा कि ये फ्रेंचाइज है, सेम फ्रेंचाइज हमने वही है, ये अदरवाइज फिल्म एक्टर्स एवरीथिंग इज पूरी सब चीज़ें डिफरेंट है, पूरी कहानी नहीं है, कोई सीक्वल नहीं है, लेकिन जब फ्रेंचाइज में गोइंग फॉरवर्ड, तो आई डोंट थिंक ऐसा कोई कंपैरिजन आएगा। मसाला एंटरटेनर है, इसमें कॉमेडी है, इसमें हॉरर है, इसमें एक्टिंग है, इसमें गाने हैं और एक स्केल है, तो वो सब चीज़ें लोगों को आई थिंक पसंद आएंगी, वो आ रही हैं, वो एक बहुत बड़ा प्लस है। बहुत एक्साइटेड है और जिस तरीके का रिएक्शन अभी प्रेस मीडिया का रिस्पांस आ रहा है उनका, क्योंकि स्क्रीनिंग हुआ है और बहुत ही ओवरवेलमिंग है, एंड वी ऑल्सो वॉन्ट टू वॉच इट नाउ, तो बस ऊपर जाके देखने जाते हैं जी। अच्छी कहानी है, अच्छे किरदार है और जिस तरीके का रिस्पांस अभी तक ट्रेलर को आया है, म्यूजिक देखो क्या बोल रहे हैं तो ये जो रिस्पांस हर जगह आ रहा है उसमें अपने आप पता चल जाता है फिल्म का वाइब।
अच्छी फिल्में सारी चल रही हैं एंड बुलबुले 2 भी अच्छी फिल्म है तो वो भी चलेगी। थैंक यू, थैंक यू सो मच। अभी बाद में तो काफ़ी एक्साइटेड है यार। मुझे लगता है कि ये फिल्म का जैसे ही ट्रेलर आया आप पहले ट्रेलर से समझ जाते हो कि फिल्म चलने वाली है कि नहीं, और ये फिल्म ऐसी है जो मुझे लगता है सारी सब लोग देखना चाहते हैं। देखिए कंपटीशन की बात ही नहीं है, वो तो अभी देखनी होगी फिल्म डेफिनेटली। मुझे लगता है सेकंड पहली वाली भी बहुत ही अच्छी थी और इसका जो ट्रेलर है वो बहुत ही अच्छा है, इसका वाइब बहुत अच्छा है, इसलिए सब लोग देखना जाना चाहते हैं। थैंक यू, थैंक यू।
लेके बहुत एक्साइटेड हो और यार आज जो है ये दिन आ गया कि कल भूल भुलैया पूरे हर सिनेमा घर में होगी, तो खूब सबको एंजॉय करे और लाफ राइट एंटरटेनिंग फिल्म है, तो आई एम ग्लेड, बस दुआ कर रहा हूँ। थैंक यू। बड़ा एक्साइटेड, लव द ट्रेलर और बहुत एक्साइटेड। कार्तिक और केयर और राजपाल सर जो मेरे फेवरेट हैं, उनकी परफॉर्मेंस देखने में बहुत एक्साइटेड। हाँ, अरे मैंने पिक्चर नहीं देखी, क्या रिएक्शन दूँ?
बधाई देना चाहती हूँ. इट्स अ वेरी अवेटेड फिल्म और आई थिंक बहुत मज़ेदार होगी. इट्स अ मच लुक फॉरवर्ड टू फ्रेंचाइज. आई विश द टीम ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द फिल्म. कॉम्पिटिशन की बात नहीं है. जब एक फ्रेंचाइज की फिल्म वापस आती है तो मतलब आप उसी को बढ़ाना चाहते हैं. तो आई थिंक वही होगा. आई डोंट थिंक कॉम्पिटिशन की कोई बात है. सॉरी जी. आई होप जितना बड़ा बवाल मचा पाए उतनी मचाए. बिकॉज हाँ कोविड की वजह से हम थोड़ा तो सफ़र किया है हमने. एंड आई होप कि यू नो फिल्म लाइक दिस गेट पीपल बैक इन टू द थिएटर्स. एंड तो मैं तो जा ही रही हूँ थिएटर में. आप लोग भी प्लीज़ जाइए. थैंक यू. थैंक यू. जिस दिन मैंने ट्रेलर देखा था मैं कह सकता हूँ कि बहुत सरप्राइज था कि किस तरह की फिल्म यू नो. क्योंकि पहली फिल्म मुझे बहुत पसंद आई थी और ये फिल्म उस पहली फिल्म से एक लेवल आगे है और बहुत कमाल की परफॉर्मेंसेज होने वाली हैं. इसमें सब तरह का ड्रामा है, कॉमेडी है, मसाला है, बेस्ट एक्टिंग होने वाली है. सो मैं आई एम वेरी एक्साइटेड. देखिए कंपैरिजन तो हर चीज़ का होता है लेकिन मुझे लगता है कि वो भी होना भी चाहिए. लेकिन जब आप एक लेवल आगे जाते हैं, जब ट्रेलर आया था उसी वक्त लग रहा था कि ये उसका नेक्स्ट पार्ट टू है और ये एक स्टेप आगे होने वाली है. तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि कार्तिक आर्यन बहुत कमाल के एक्टर हैं. तब्बू जी हैं और कियारा है. सो इट्स वाना बी अ फैंटास्टिक फिल्म. बिल्कुल बिल्कुल. क्योंकि अगर आप देखें हमारी फिल्म द कश्मीर फाइल्स से एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल नहीं थी लेकिन वो फिल्म ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए. और मैं ये भी मानता हूँ कि मैं खुशकिस्मत मानता हूँ कि उस फिल्म से लोगों ने थिएटर में आना स्टार्ट किया. सो फिल्म अच्छी होती है तो हमेशा लोग आते हैं और मुझे इस फिल्म से पूरी उम्मीद है क्योंकि ये भूषण जी ने इसको प्रोड्यूस किया है और इसमें कमाल की कास्ट है, डायरेक्टर हमारे कमाल के हैं. तो मुझे उम्मीद है ये फिल्म बहुत चलेगी. मैं या लव टू डू इट बिकॉज मेरे ये पसंदीदा जॉनर है और मैं लव टू डू इट. और नेक्स्ट फिल्म मेरी बहुत जल्द आने वाली है. भूषण जी ने ही प्रोड्यूस की है फिल्म दो का. वो एक सस्पेंस थ्रिलर है. आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा उसमें. या थैंक यू सो मच. थैंक यू गाइस. थैंक यू.
यस, वेरी एक्साइटेड एंड डरना भी है, हंसना भी है एंड वॉज वेटिंग बिकॉज आई लव द एंटायर ट्वेलो एंड भूषण कुमार मेरे भाई हैं, पूरा केतानी, अंजु केतानी, सो देयर फैमिली, सो वेरी एक्साइटेड वॉच द फिल्म. अभी जाएंगे, शुरू होने वाली है. कार्तिक इज अ ब्रिलियंट एक्टर, वो किसी भी चीज़ में ही जस्ट फिट्स परफेक्ट एंड इसमें भी उन्होंने बहुत अच्छा, आई लाइक द सॉन्ग भूल भुलैया, ट्रैक इज डन वेरी वेल. दैट्स इट. क्रॉस ऑल फिंगर्स एंड होता है हर चीज़ का बिजनेस अपडाउन होता है. वक्त इस वक्त हमारा थोड़ा इज नॉट विथ अस बट Yeah, I hope and pray Bulbula is the breakthrough. देखा है, सीम्स लाइक अ फन फिल्म. द फर्स्ट फिल्म वाज लॉट ऑफ फन, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस. आई होप सो. एक दौर आया था पहले भी कि जब सिर्फ साउथ इंडियन फिल्में चलती थी 1980s में, लेकिन उस दौर से निकल गई फिल्म इंडस्ट्री, वापस हिंदी फिल्में चलने लगी. तो शायद कोविड के बाद ऐसा दौर आता हुआ दिख रहा है कि जहाँ साउथ इंडियन फिल्में वापस चल रही हैं, बट आई जस्ट होप हिंदी फिल्म, यू नो, दे डू बेटर सून एनफ. इट्स टू डिफिकल्ट टू से राइट नाउ, बट आई एम एक्साइटेड टू वॉच द फिल्म बिकॉज इट्स माई फ्रेंड्स फिल्म. सो आई होप इट्स गुड एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट. बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. भूलभुलैया वन इज़ आइकॉनिक एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू वॉच भूलभुलैया टू ऑल्सो बिकॉज कार्तिक इन इट एंड कियारा इन इट एंड तब्बू मैम इन इट. आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग. बहुत एक्साइटेड हूँ. पता नहीं, आई डोंट नो, आई एम एक्साइटेड टू वॉच दिस वन ऑल्सो एंड
हाँ अभी देखते हैं, अभी मुझे लेट हो रहा है तो मैं मूवी देखने जाने वाली हूँ। फिंगर्स क्रॉस, आई एम श्योर इट विल। थैंक यू। यार अनीस भाई एक बहुत मज़ेदार फिल्म मेकर हैं, मैंने सिंग इज किंग की थी और बहुत मज़ा आया था अनीस भाई के साथ काम करके, तो और वो दोस्त भी हैं और कलाकार भी हैं बहुत अच्छे, तो ऑब्वियसली एक्साइटमेंट तो है कि एक फिल्म बनाई है बहुत दिनों बाद, मुबारक दिख रही लाइफ उसके बाद शायद कंपेयर करने का तो वो तो है, वो तो आदत थोड़ी छूटती है, वो तो करने लगेंगे, बट हर एक फिल्म अपने आप में एक आइडेंटिटी होती है उसकी, और आई थिंक कंपैरिजन करना नहीं चाहिए, आई डोंट थिंक, बट देखने के बाद ही पता चलेगा। देखिए हम तो यही मतलब चाहते हैं कि फिल्में चलें थिएटर में, अब दो साल में जो बेसिकली कोविड की वजह से कई लोगों की आदतें बदल गई हैं, घर में बैठने की आदत पड़ गई है, टीवी देखने की आदत पड़ गई है, मोबाइल पे देख लो, तो आई थिंक स्लोली अब निकल रहे हैं लोग, और फिल्मों में ऑब्वियसली उतना दम होना चाहिए कि लोगों को खींच के लाए अपनी तरफ, तो मुझे तो लगता है ये थोड़ा है इंटरेस्टिंग फिल्म है होगी एंड इंशाल्लाह इट शुड बी अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स। थैंक यू।
हिट हो गई। Chinese guy, the best for me.